शिमला शहर में भारी वर्षा के बाद बाधित हुई जलापूर्ति योजनाएं अभी भी पूरी तरह से बहाल नहीं हो पाई हैं और राजधानी में पेयजल संकट गहराया हुआ है। आज शिमला में 31 एमएलडी पानी पहुंचा, जबकि शहर को रोजाना 42 एमएलडी पानी की जरूरत होती है। शिमला वासियों ने बताया कि 4-5 दिन बाद भी पानी नहीं मिल रहा है और हर चुनाव में पार्टियां शहर को 24 घंटे पानी देने का वायदा करती हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद भूल जाती हैं। चार दिन हो गए सर, चार दिन से पानी नहीं आया और अभी भी पानी जो ना पानी खत्म हो गया। कार्यो गेट वालों की गाड़ी आई है, वो पानी खत्म हो गया, हमें पानी मिला ही नहीं, अब क्या करना। पूरे हिमाचल में जिससे सभी प्रभावित हुए हैं, तो इसकी वजह से पानी बहुत कम आ रहा है, जिसके पंप्स जाम हो चुके हैं, उसमें गारा फंस गया हुआ है। उसकी गवर्नमेंट भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन में लगी हुई है, मगर हफ्ते बाद ये पानी आज पहुँच रहा है यहाँ वाटर टैंक, और वो भी फायर ब्रिगेड की मदद से पहुंचा है यहाँ पे, और उसकी सप्लाई पूरे मिड बाजार को दी जाएगी। टैंकरों से पहुंचने की कोशिश पूरी है, गवर्नमेंट जितनी कोशिश कर रही है वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, और हमारे को भी जरूरत जितना है उतना हम उसमें गुजारा कर रहे हैं। ये 5 दिन से पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे। टैंकर की सुविधा है यहाँ पे, गाड़ी आती है टैंकर पर, पानी नहीं आता वहाँ, टैंकर भेजते नहीं है पानी का। वो एमसी को चाहिए कि ये एक इलाके इलाके में जाकर, या काउंसलर को चाहिए इलाके में जाकर समस्या पूछे, पानी का हल निकाले, ऐसे तो पब्लिक का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि पेयजल परियोजनाओं में गाद के कारण पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है और शिमला शहर के लिए अब ठोस योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि शहर में पेयजल आपूर्ति को सुचारू बनाने के प्रयास जारी है। की योजना में डायरेक्ट जो है वो नुकसान हो रहा है मशीनरी पे, आपका जो सारा सिल्ट आ रहा है वो कर रहा है, उसमें बीच में कोई रोक नहीं है। हमारा ये मानना है कि अगर उसमें कोई बीच से पहले गिरी का जो लास्ट का पॉइंट है उससे पहले डैम या उसको पानी को रोकने के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए, जो एक बहुत ही जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री ने इस पर सहमति जताई है, उन्होंने कहा है कि इसको आप, और इनको अगले 15 दिन में मीटिंग के लिए भी बुलाया गया है, तो हम अपना इस तरह का एक प्रपोजल वहाँ रखेंगे कि जो गिरी है, गिरी का लास्ट का जो पॉइंट है, क्योंकि जो गाद और डायरेक्ट मशीनरी और पंप पे पड़ रहा है जिससे नुकसान हो रहा है उसको, क्योंकि उसमें बीच में उसको रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो इसको लेकर के हमने माननीय मुख्यमंत्री से भी चर्चा की और उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री ने इस पर सहमति भी जताई है, और अगले जो 15 दिन उनको मीटिंग के लिए भी बुलाया, और मैंने जो ये SJPNL की जो कंपनी है, अधिकारी हैं, उनको भी मैंने कहा है कि आप अपना एक कंक्लूड सा एक प्लान लेकर आओ ताकि आप सरकार आपकी उसमें मदद कर सके, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री ने भी हमें मदद देने की बात की है।